जबूर नंबर 34, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी जबान पर रहेगी, मेरी रूह खुदावंद पर फखर करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे, मेरे साथ खुदावंद की बढ़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। उस गरीब ने दुहाई दी, खुदावंद ने उसकी सुनी और उसे उसके सब दुखों से बचा लिया। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावंद से डरो, आई उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालब किसी नेहमत के मोहताज ना होंगे। आए बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जबान को बदी से बाज रख, अपने होंठों को दगा की बात से। बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालब हो और उसी की पैरवी कर। खुदावंद की निगाह साधकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। साधक चलाए और खुदावंद ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। साधक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रहाई बख्शता है। वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। बदी शरीर को हलाक कर देगी और साधक से अदावत रखने वाले मुजरम ठहरेंगे। खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है और जो उस पर तवक्कल करते हैं उनमें से कोई मुजरम ना ठहरेगा। आमीन।